ओम नमः शिवाय। आज कैंसर लग्न के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी हॉरोस्कोप में चार नंबर राइज कर रहा हो फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोग कर्क लग्न यानी कि कैंसर लग्न वाले होते हैं। देखिए, कैंसर का लॉर्ड यानी कि स्वामी है मून। इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं और इंट्यूशन लेवल भी काफी अच्छा होता है। बट एक प्रॉब्लम है कि हर्ट बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। घर से, माँ से, फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार होता है और जिंदगी में इनको अगर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये अपने घर को देते हैं, अपनी माँ को देते हैं। अटैचमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है इनका होम फैमिली एंड मदर से। नॉर्मली इनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं और ये अपनी फैमिली में रह के ही खुश रहते हैं। पुरानी चीजों से बहुत अटैच रहते हैं, जैसे कि इनका साइन है क्रैब, तो पुरानी चीजों को जकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इनके पास आप आम तौर पर बड़ी पुरानी चीजों का संग्रह यानी कि कलेक्शन देख सकते हैं। इनको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को शेयर करने में काफी प्रॉब्लम आती है। अपने आप को शेल में डाल देते हैं अगर ये किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। रीजन, क्योंकि ये अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक्सेसिव सॉफ्ट होने की वजह से इन्हें जरूरत पड़ती है अपने ऊपर से एक हार्ड शेल की, ताकि लोग इनका गलत फायदा ना उठा पाए। आमतौर पर जब ये हर्ट हो जाते हैं तो एक शेल में चले जाते हैं और काफी टाइम तक उससे बाहर नहीं आते हैं। कुकिंग में बहुत बढ़िया होते हैं और इन्हें कुक करना बहुत पसंद आता है। विल पावर, स्ट्रांग विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन बहुत हाई होती है। रोमांटिक या सुपर रोमांटिक लोग होते हैं ये, और ये उम्मीद करते हैं कि इनका पार्टनर भी उतना ही रोमांटिक हो, जो कि आमतौर पर हमें नहीं मिलता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। मनी मैटर्स में बहुत ज्यादा ही मैं कहूंगी उसको, ये बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए कभी कभी कंजूस भी हो जाते हैं। अकेले घर में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। कोशिश इनकी रहती है कि आसपास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग इनके साथ रहें, लव्ड वंस रहें। अच्छा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं प्रोफेशन के बारे में इनको सलाह दूंगी, क्योंकि मून इनका काफी स्ट्रांग होता है, तो इनकी ये लोग काफी अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं, फिजिशियन हो गया, ये इस तरह के एरियाज में बहुत बढ़िया करेंगे। मरीन यानी कि वाटर रिलेटेड जितने भी काम हैं, ये बहुत बढ़िया कर पाएंगे। हॉर्टिकल्चर यानी कि फूलों से रिलेटेड, ट्रेवलिंग से रिलेटेड और म्यूजिक से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, ये इस तरह के फील्ड्स बहुत बढ़िया करेंगे। देखिए, क्योंकि ये वाटर साइन है, सॉफ्ट लोग होते हैं, तो मैं इन्हें आयरन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब में जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। इनके लिए बेस्ट पार्टनर कौन होंगे? बेस्ट पार्टनर होंगे स्कॉर्पियोज, बिकॉज ये एक कैंसेरियन साइन है, काफी सॉफ्ट, और कहीं ना कहीं इनको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो काफी स्ट्रांग हो, साथ ही साथ वो स्ट्रांग होने के साथ साथ इनको इमोशनली समझे भी। देखिए, किसी भी साइन को अगर हम देखें, उसकी हर एक साइन की एक इमोशनल नीड होती है। जिस तरह से कैंसेरियन साइन है, इनकी इमोशनल नीड, इनकी जो सोल की जरूरत है वो इमोशंस है। दे नीड समबडी जो इमोशनली इनसे अटैच कर पाए, तो उसके लिए मैं इन्हें कहूंगी कि बेस्ट पार्टनर स्कॉर्पियो और पाइसिन ही हो सकते हैं इनके लिए, जो इन्हें इमोशनली समझे भी और एक स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रांग पार्टनर का भी रोल अदा करे। तो ये थी बातें कैंसर लग्न के बारे में। फिर मिलते हैं एक और लग्न के साथ। ओम नमः शिवाय।